तो भाई पहले स्टार्ट करना है हमने ये एक्सरसाइज से। अब ये एक्सरसाइज देखो भाई किस तरह परफॉर्म करना है। पहले आपने करना है स्क्वाट फिर जंप। ये आपका पहला हो जाएगा एक तरह का वार्म अप सेट, जैसे कि पूरा का पूरा आपका बॉडी लोअर बॉडी प्लस अपर बॉडी आपका जिस तरीके से भाई इंगेज हो जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना है कि आपका 15 से 20 रिपीटेशन जितना रिपीटेशन भी लगाना है बस आपने रेस्ट बहुत ही कम रखना है, उसके तुरंत बाद आ जाना है ये एक्सरसाइज पर। अब इस एक्सरसाइज में स्टेप पर ध्यान देखो आप लोग, कितना छोटा छोटा स्टेप लेना है, लेकिन क्या करना है आपको स्पीड बढ़ा के रखना है, फिर तुरंत 5 स्क्वाट 3 4 5, फिर आपने क्या करना है एक तरह से रनिंग कर सकते हैं सकते हो आप लोग। इसका एक और वेरिएशन आगे मैं बताऊंगा, ये आपका दूसरा नंबर एक्सरसाइज होगा। सिंपल तेजी तेजी आपको इस तरह से छोटा छोटा स्टेप लेके रनिंग करना है, फिर आपने 5 स्क्वाट 1 2 3 4 और 5 इस तरह का आपके सारा सारा एक्सरसाइज आप साथ साथ फॉलो भी करते रहना, देखना नहीं भाई बेहतर रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। अभी एक्सरसाइज देखो भाई, उसका दूसरा वेरिएशन रनिंग का, एक जगह पर ही आपको क्या करना है अपने नीज को अपने कमर के हाइट तक लाना है और अच्छे तरीके से आपको इस तरह से रनिंग करना है। पूरा का पूरा फैट लॉस रिप, जो मेरे भाई कटिंग वटिंग लाना चाहते हैं घर पे, जिनको जिम जाने का कोई ऐसा सुविधा नहीं है, वो एक साथ बिल्कुल ही साथ साथ फॉलो करो भाई, रिजल्ट डेफिनेटली आपको घर पे ही देखने को मिलेगा। फिर लगा लेते हैं भाई 10 या 5 या 11 रिपीटेशंस का स्क्वाट बिना रुके हुए, बिना रेस्ट के सारा एक्सरसाइज आपने करना है तुरंत तुरंत। रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेकंड का आप लोग रेस्ट मुश्किल से मुश्किल ले सकते हो, बाकी रेस्ट कम रखना है क्योंकि बिना जिम के बिना इक्विपमेंट के हमने पूरा का पूरा जोर अपने बॉडी पे डालना है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो भाई, हाथ खुला रहेगा, लगाएंगे पुशअप्स। हाथ खुला रहेगा मतलब पांचों उंगली आपका खुला रहेगा, जिससे आपका बाजू अच्छे तरीके से पंप हो जाएगा और अपर बॉडी जो इसमें आपका इंगेज होगा ही। तो ध्यान से देखो और फॉलो करो, हाथ पूरा खुला रहेगा कम से कम 10 रिपीटेशन बिना रुके हुए। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो भाई, बिल्कुल साथ साथ फॉलो करते रहना। अभी एब्स के लिए अल्टरनेट एल्बो नी टच करेंगे भाई खड़े होकर, जिससे कि डायगोनली अपने एल्बो को अपने एब्स को थोड़ा सा एक्टिव कर लेंगे कि हाँ भाई तैयार हो जाओ, तुम पे भी काम हो रहा है। सारा का सारा फैट लॉस पूरे बॉडी से ही होता है भाई, तो थोड़ा बहुत हम लोग एब्स को भी इसमें इंगेज करेंगे। 10 रिपीटेशन 12 रिपीटेशन या 15 रिपीटेशन जितना आपसे लग सके, ज़्यादा आपका फैट है तो थोड़ा सा कम रिपीटेशन भी लगेगा, तो आप सेट बढ़ा दोगे। अब ये एक्सरसाइज ध्यान से देखो भाई, बिल्कुल ध्यान से देखो फॉलो करो। आपने क्या करना है पूरे अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है इस तरह से और यहाँ पे रख के होल्ड करना है। साइड वाला चेयर भी बढ़ा हुआ है भाई, साइड वाला चेयर भी कम नहीं हो रहा है। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करो आप लोगों के लिए, कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई वेट नहीं, कोई जिम नहीं, बस दोनों हाथ को कंबाइन करो इस तरह से, ट्विस्ट करो होल्ड करो, सिंपल सामने रखो ट्विस्ट करो होल्ड करो। दिखने में एक्सरसाइज बहुत ही ईजी लगेगा भाई, लेकिन करके देखोगे तो रिजल्ट आपको खुद ब खुद देखने को मिलेगा कि हाँ भाई 10 रिपीटेशन में इतना अच्छा पंप, 10 रिपीटेशन में इतना ज्यादा फोकस कर पाए इस मसल पार्ट पे। करना कि आपने बस ट्विस्ट करना है लोअर बॉडी को, एकदम एक्टिव लोअर बॉडी स्टेबल रहेगा, अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है, साइड का चर्बी गायब। 10 से 15 रिपीटेशन का लगाते हो बिना रुके हुए क्योंकि पहले से हमारा बॉडी पंप है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो भाई, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका होगा पुशअप्स, फिर अपने अल्टरनेट लेग्स को क्या करोगे सामने की तरफ लेके आओगे भाई, नीचे का चर्बी कम नहीं हो रहा है, नीचे का साइड का जो चर्बी पेट का लटक रहा है, ये एक्सरसाइज करो आप लोग। जो मेरे भाई का पेट थोड़ा सा निकला हुआ है उनको तो तुरंत चुटकी भर में मतलब अच्छे तरीके से अगर करते हो तो बहुत ही कम टाइम में कह सकते हो रिजल्ट दिखेगा। जिन भाई का थोड़ा सा फैट है उनको करने में डिफिकल्टीज होगा, तो जितना हो सके उतना ही आगे आपने पाव लाना है और ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना है एब्डोमिनल एरिया के लिए, आपके पेट के चर्बी के लिए, एब्स के लिए। परफेक्ट एक्सरसाइज है, साथ साथ भाई को भी फॉलो कर रहा हूँ, आज भाई के साथ फॉलो कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। अभी देखो एक स्टिक लेना है आपने और भाई का लग रहा है बाइसेप्स और मैं लगा रहा हूँ ट्राइसेप्स। इस तरह कोई आप पार्टनर, कोई दोस्त, भाई आपका अगल बगल का कोई हो जो कि फिटनेस फ्रीक हो, उसको आप लोग साथ में रख सकते हो अपने और बोलो चलो भाई जिम का कोई सुविधा नहीं है, स्टिक उठाओ इस तरह से, और आपने क्या करना है उसको बोलना है भाई तुम ऊपर की तरफ जोड़ लगाओ, मैं नीचे की तरफ लगाता हूँ। इससे क्या होगा उसका बाइसेप्स पंप होगा और आपका ट्राइसेप्स पंप होगा। थोड़ा स्ट्रेंथ वाला बंदा लोगे तो आपको थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, जिससे कि उसका जान ज़्यादा लगेगा और आपको भी इससे अच्छा पंप मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा पंप होने के बाद। अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर करेंगे पेट के चर्बी के लिए। सिंपल आपने कोई सा भी इस तरह का आपके छत के रेलिंग हो या फिर आप बेंच ले सकते हो या फिर चेयर ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इधर मैं छत का ये देखा हूँ, अच्छा सरफेस है, थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए जिससे कि आपका सारा का सारा जोर जो है आपके इस पे पड़े। तो इस तरह से आप लोग 15 से 20 रिपीटेशन लगाओगे अच्छे तरीके से और फिर रिलैक्स करोगे, रेस्ट बिल्कुल ही कम रखना है भाई। अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, करना है आपने पुशअप्स और लोअर वाला भाई पेट का नीचे वाला चर्बी के लिए कुछ एक्सरसाइज बताओ। मशीन है, कोई मशीन नहीं है जिससे कि कर सके, तो क्या करना है आपने पुशअप्स लगाना है अपर बॉडी एक्टिव, फिर नीचे वाला पांव को लाओगे जिससे कि आपका लोअर वाला एब्स, नीचे वाला पेट का चर्बी
जो है आपका अच्छी तरीके से इस पुशअप्स और इस वाले एक्सरसाइज से इंगेज होगा, बेहतर से बेहतर पंप, बेहतर से बेहतर आपका लोअर एब्स पे, नीचे वाले पेट के बेली पे काम होगा आपका। लटक रहा है चर्बी, ट्राई करो भाई के साथ और अपने लोअर एब्स को, लोअर पेट को, नीचे वाले चर्बी को रिप्ट करो। मैं भाई के साथ फॉलो कर करके दिखा रहा हूँ। और इसमें आपको चाहिए एक पार्टनर, जिसमें क्या करना है आपने इस तरह से स्टिक पकड़ना है और आपको वो पोजिशन होल्ड कर रखना है ट्विस्ट करने के बाद। ध्यान से देखना एक्सरसाइज भाई, इसमें मैं स्टिक ले रहा हूँ और साइड साइड ट्विस्ट कर रहा हूँ अपना और यहाँ पे पकड़ के होल्ड कर रहा हूँ। जब तक वो एक्सरसाइज करेगा मैं यहाँ पे होल्ड रखूंगा, जिससे कि अच्छे तरीके से स्क्वीज मैं कर पाऊँ अपने साइड वाले चर्बी पे। भाई साइड वाला चर्बी नहीं कम हो रहा है भाई, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई वेट नहीं है, क्या करें भाई। तो दिमाग लगाओ भाई, थोड़ा सा मसल में कनेक्शन लगाओ, भाई आपके साथ है। मैं जो वर्कआउट बता रहा हूँ बस आप फॉलो करो उसको, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। इस तरह से आपने ट्विस्ट करना है, बस ध्यान से देखो, सामने वाले को बोलो चलो भाई तुम करो, मैं होल्ड करके रखता हूँ ये पोजीशन, फिर आप ट्विस्ट करोगे, फिर उसको बोलोगे तुम होल्ड कर रहो। इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, वर्कआउट का लेवल भाई आप बढ़ा सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे साइड वाला चर्बी के लिए, बेस्ट एक्सरसाइज है। इस तरह का इक्विपमेंट भी होता है जिम में भाई, लेकिन आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो घर का देसी जुगाड़ करके भी आप इस तरह का एक्सरसाइज बेहतर तरीके से भाई फॉर्म कर सकते हो। तो ये देखो आप लोग पंप भी इसके बाद देख सकते हो, आप लोग किस तरह का पंप हुआ, भाई का भी पंप ठीक अच्छा खासा मिल रहा है भाई, और आप लोग को भी साथ साथ करना है तो इसलिए भाई के साथ कर रहा हूँ, जो कि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका होगा एक्सप्लोसिव पुशअप्स। इसमें आपका पूरा का पूरा जान निकाल लेना है भाई, निचोड़ निकाल लेना है। अभी आप थक गए होगे क्योंकि हमने रेस्ट बहुत कम रख रहे हैं, तो इसमें आप लगाना है एक्सप्लोसिव पुशअप्स, 15 से 20 रिपीशंस काफ़ी है। अच्छे तरीके से आपका जो है भाई अपर बॉडी अच्छे तरीके से पंप्ड हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, जितना जान है सारा इसमें निकल जाएगा। और कटिंग वटिंग लाना है तो भाई के साथ फॉलो करो भाई, बेहतर से बेहतर पंप घर पर ही, बेहतर से बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और भाई के साथ किया हूँ, कैसा लगा वर्कआउट भाई बताना आप लोग, और अच्छा।